बोले मम्मी गाय का रोटी देने जा रहा हूँ। मैंने बोला बाबू मत जाया कर, कुत्ता तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। तो बोले मम्मी जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन इतने में 10 मिनट में लापता हो। दिल्ली सिविल डिफेंस से हूँ, कम से 3 साल से मैंने निष्काम सेवा दी पुलिस वाले के साथ में, कंधे कंधे मिला के। मैंने सर से कहा सर देखिए ऐसे से बात है, हम आपके स्टाफ की तरह है, क्योंकि हमारे बच्चा के हेल्प करिए, लेकिन हमारे कोई हेल्प करने की कोई राजी नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ मैं। पब्लिक से रक्षा करते करते हमारे बच्चा गम गए, लेकिन हमारे बच्चा के लिए कोई पुलिस वाले या कोई हमारे वार्डन भी है हमारे साथ नहीं दे रहे। हर जगह ग्रुप में मैं हर जगह मैसेज छोड़ी हूँ, लेकिन हमारे साथ कोई देने के राजी नहीं हो रहे। पुलिस हमेशा इनको मोबाइल फ़ोन पर ही फ़ोन करके आश्वासन दे देती है कि हाँ जी मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। दिल्ली में बच्चों की गुमशुदगी और गायब होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मामला सामने आया है। एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम शिवमणि है, वो 5 दिनों से जो है वो गायब चल रहा है, और बताया ये जा रहा है कि बच्चा जो है मानसिक तौर पे भी बीमार था। अभी शिवमणि के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम मेरी रिंकू कुमारी है। आप क्या लगते हैं शिवमणि? मैं उनकी मम्मी हूँ। कब से गायब चल रहा है? ये 4 तारीख से शनिवार के लापता हो गई है। कहाँ था बच्चा उस वक्त? उस वक्त पहाड़ यहीं पर घर पे थे। बोले मम्मी गाय का रोटी देने जा रहा हूँ। मैंने बोला बाबू मत जाया कर, कुत्ता तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। तो बोले मम्मी जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन इतने में 10 मिनट में लापता हो गई। बताया जा रहा बच्चा थोड़ा मानसिक तौर पे कमज़ोर था, बीमार था? बस हल्का था, ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल कोई बीमार नहीं थे उतनी। क्या किसी पर शक है आपको कि किडनैप किया हो? शक तो हल्का मल्का लग रहा है कि कोई है कि हमारे बच्चों के पीछे पड़े हैं, लेकिन हमें देखे नहीं आज तक कि कौन बच्चा ऐसा किए हमारे साथ हो। किस पे शक है आप? अब मैं गली में तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन ये नहीं पता कि हो सके कोई चीज़ के लालच में बच्चे को उठाकर ले गए हो, लेकिन वैसे तो कोई शक नहीं, गलियों में कोई दुश्मन नहीं है हमारे। आपको लग रहा है कि मतलब किडनैप किया? हाँ, मुझे भी ये शक लगा कि मैंने इसलिए किया है कि पुलिस वाले से मैंने कहा था कि देखिए सर हमारे बच्चों को मुझे शक लग रहा है कि हो सके कोई बच्चे उठा के मुँह दबा कर ले गया हो, कोई नशे की दवा दे के। तो मैंने कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन में भैम है, आप ऐसा ना सोचिए कि आपको बच्चा मिल जाएंगे। फ़ोन पर जवाब दे देते थे, बस हो गए। खाली 50 वो फोन आए हर जगह से, मगर कुछ कर नहीं पा रहे पुलिस वाले। पुलिस में कंप्लेन कब की थी? मैंने 4 तारीख किए थे, लेकिन 5 तारीख की सुनवाई ली उन्हें। अभी तक बच्चे का पता नहीं लग पा? नहीं, अभी कोई पता नहीं लग पा रहे है। यहाँ पे CCTV वगैरह भी होंगे? हाँ, हमारे गली से लेके बाहर तक ले मैम है, लेकिन क्या बताऊँ, लेकिन हमारे कोई सुन नहीं रहे। मेरे हालत ऐसी ख़राब होते जा रहे हैं कि मेरे BP लो हो रहे, कभी BP की शिकायत नहीं होते थे, मेरे साथ ऐसे होना शुरू हो गए। बच्चों के चक्कर में पूरे 2-2 बजे रात के घूमते घूमते थक चुकी हूँ, घुटने में मेरी चोट आ गई बुरी तरह से। आपके आस पड़ोस में किसी ने बच्चे को देखा हो? नहीं देखे। किसी को नहीं पता कहाँ है? किसी के नहीं पता मैम, काम ये इसी शक हुए थे कि कैमरे से पता लगेंगे हमारे बच्चा है कहाँ। तो पुलिस वाला करे कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप आ जाएंगे आपके पास। ये चीज़ें बोली? हाँ, पुलिस ने इन्हें बोले हैं। कितने दिन हो गए हैं बच्चे गायब हुए? ये लगभग 5वां दिन हो गए। 5 दिन से आपके बच्चे का पता नहीं लग पा? पता नहीं है, 9 बजे से लापता है। आपने अपने भाई को देखा, कहाँ गए थे? सुबह वो गया था गाय को रोटी देने, फिर उसके बाद नहीं आया। मतलब कितने बजे नहीं आया, तो कितने बजे गया था? 8:56 पे वो निकला यहाँ से, फिर उसके बाद उसका आता पता नहीं। तो आपको कब पता चला कि बच्चा गायब, मतलब आपका भाई गायब हो गया? कितने घंटे हो गए? ये 10 बजे पता चला मम्मी को कि वो गायब है। अभी तक मम्मी को पता चला तो मम्मी खोजने चली गई थी, तब मम्मी ने मुझे स्कूल से भी बुला लिया था, तो मैं और मम्मी दोनों मिलके घूमने मतलब ढूंढने चले गए थे उसे। अभी स्कूल जा रहे हो आप? नहीं, मैंने। आपका भाई कौन सी क्लास में था? वो क्लास में पढ़ता ही नहीं था, उसके वो पढ़ मतलब उसको पढ़ना नहीं आता था। अब बेटा स्कूल नहीं जाता? बच्चे सब स्कूल में स्कूल ले जाते थे, लेकिन रो जाते थे कि स्कूल से भाग आते थे, इसलिए आंगनबाड़ी में पढ़ते थे और खाना खाते थे वहीं पर। डरता वगैरह था स्कूल जाने के लिए? हाँ, डरता था। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? तो करे हो जाएंगे, परेशान मत होइए। जिसने रिपोर्ट कराने गया उसने वो कह रहा है कि 4 दिन के अंदर मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन 5वां दिन हो गए, पता नहीं 15 दिन भी लग जाए, मिले कि ना मिले कोई पता नहीं है। दिल्ली सिविल डिफेंस से हूँ, कम से 3 साल से मैंने निष्काम सेवा दी पुलिस वाले के साथ में, कंधे कंधे मिला के। मैंने सर से कहा सर देखिए ऐसे से बात है, हम आपके स्टाफ की तरह है, क्योंकि हमारे बच्चा के हेल्प करिए, लेकिन हमारे कोई हेल्प करने की कोई राजी नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ मैं। बहुत परेशानी से मैं बीते चल रही हूँ, क्या बताऊँ मैं। आप कौन है?
हम पड़ोसी हैं, हम ऊपर काम करते हैं घरों में, हम आते जाते रहते हैं यहाँ पर हम आते जाते रहते हैं, हमसे बोलता चलता है वो लड़का, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही है थोड़ा सा। आपने बच्चे को देखा हो कहाँ जा रहा है? हाँ जी नहीं, हमने कहीं नहीं देखा, हमने तो मैं तो इसकी मम्मी ने फ़ोन करा था कि संतोष इनका लड़का गायब हो गया तो देख लियो कहीं भी। हम ज़रा मदद कर रहे हैं, हम 11 नंबर गली में सारे पूरे मार्केट में घूम रही हूँ मैं भी ढूंढते फिर, पर अभी किसी से पता नहीं चल रहा। सब कुछ लाते थे, राशन पानी हम जो लिख के देते थे ना सब कुछ लाते थे, 2000 का सामान भी लाते थे। बच्चा पागल उसी के बोले जाते कि बिल्कुल कुछ राशन भी ला नहीं सकते घर के। ऐसे बच्चा ठीक था? बिल्कुल सब ठीक ठाक थे, बस वही हल्का थे कि जो भी कोई बात हम बोलते थे ना वो भूल जाते थे, लेकिन लिख के जब हम जितना के देते सामान तो लेके लेकर सामान तो वो लेके आता था, सामान लेके हम भी मंगाते थे ना उससे सामान तो लेके आता था सामान भी वो। हम 6-7 साल से बच्चे हमारे गाय को रोटी देने जाते थे लेकिन कभी भी बच्चा हमारे गुम नहीं हुई, लेकिन मैं वो इसलिए पुलिस वाले से कहे थे कि हमारे कैमरा चेक करवा दिए, उसे किसी ने अगवा कर लिया हो बच्चा को, तो करे ऐसा कुछ नहीं है मुझे भगा दिए। कल भी थाना में गए थे और परसों भी गए थे। इस वक्त बच्चे के पिता भी मेरे साथ मौजूद है। सर कब से गायब है बच्चा? सनी मत कीजिए, बताइए कब से गायब है बच्चा? भगत जी यार टेंशन मत लो, तुम बोलो। शनिवार से गायब। किसी पर शक हो आपको कि किडनैप किया? नहीं शक नहीं है, ऊपर शक हो गया कहीं। वैसे बच्चा मानसिक रूप से भी थोड़ा बीमार था, वो रास्ता खो गया, रास्ते में खो गया, मतलब रास्ता भटक गया कहीं, लगता है शायद रास्ता भटक गया हो। आपको लगता है बच्चा गुम हो गया अपने में, अपने आप जी, जी। तो पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस को मैंने कंप्लेन किया था, वो कह रहे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। 5 दिन हो चुके हैं जी। और सीसीटीवी वगैरह? सीसीटीवी चेक नहीं हुआ, सिर्फ हमारे गली में लगा वो चेक कर रहे थे। सर आप कौन? मैं जी सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूँ, मैं भी, मेरा नाम भगवान दास है, मैं गुलाईबाग का निवासी हूँ और ये हमारे डिवीज़न से ही हैं। जब इनके बच्चे की लापता होने की जब वीडियो वो रोने की आवाज़ ग्रुप में डली तो हम भी टेंशन में आ गए थे, काफ़ी लोग हम यहाँ पर आए थे 5 तारीख को इनके पास में इनका वो देखने के लिए, तो इनकी हालत इतनी बुरी तरह थी कि शायद ये ना जीने में थी ना मरने में थी, इतनी बुरी हालत हो रही थी। और ये हम जो इनके हस्बैंड हैं उनके बच्चे के पापा ये भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। कह रहे पुलिस सीसीटीवी वगैरह नहीं देख रही? बिल्कुल जी, ये बात तो सच बात है, पुलिस हमेशा इनको मोबाइल फ़ोन पर ही फ़ोन करके आश्वासन दे देती है कि हाँ जी मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, लेकिन पुलिस जो है यहाँ की सीसीटीवी के बारे में जब भी हम बात छेड़ते थाने में जाके तो वो केवल एक ही बात कहते हैं कि हाँ जी जब समय मिलेगा तो हम सीसीटीवी चेक कर लेंगे, लेकिन वो सीसीटीवी जो लगे हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के उसको चेक नहीं कर रही है रोड पे जी जो भी लगे हुए हैं। सुन मैं आप सिविल डिफेंस में भी थी? हाँ मैं सिविल डिफेंस में थी, कोरोना काल में हर जगह डोर टू डोर में हर जगह मैंने ड्यूटी दी 3 साल तक ले, रात में जैसे 2 बजे रात हो 1 बजे रात हो जैसे कि अपना जान अति करके कि जैसे हमारे बच्चा जैसे दूसरे के बच्चा के देख रेख करना सब कुछ में, लेकिन हमारे कोई सुनवाई नहीं रहे ना कोई सरकार सुनवाई ले रहे हैं ना कोई दिल्ली पुलिस सुनवाई ले रहे हैं। अब मेरे ये हालत ख़राब हुई है ना इसी वजह से हुई है, पब्लिक से रक्षा करते करते हमारे बच्चा गम गए, लेकिन हमारे बच्चा के लिए कोई पुलिस वाले या कोई हमारे वार्डन भी है हमारे साथ नहीं दे रहे, हर जगह ग्रुप में मैं हर जगह मसीह छोड़ी हूँ लेकिन हमारे साथ कोई देने के राजी नहीं हो रहे। बच्चा जो है सुबह गाय को खाना खिलाने जा रहा होता है और उसी दौरान जो है बच्चा गायब हो जाता है। बच्चे की जो माँ है वो भी सिविल डिफेंस में है और उनका ये कहना है कि कोरोना के टाइम पर जो है उन्होंने बहुत सेवाएँ की है और वो चाहती है कि उनका बच्चा उनको वापस मिल जाए और पुलिस कार्रवाई करे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।